Welcome to Jurist Exam YouTube channel. Says subscribe and like Jurist Exam YouTube channel and press the bell icon for more updates. PDF are also available on Telegram group. Links are given in description box. And to get the job notification, go to the website www.juristexam.com. Today's video is about Uchch Nyayalay aur Uchchatam Nyayalay se sambandhit prashnotri. फर्स्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25. भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में. भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में. भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय. नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में. नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में. नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को. नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति. नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 62 वर्ष की आयु तक. नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ. नेक्स्ट, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को. नेक्स्ट, भारत का चलित न्यायालय निम्न में से किसका मानस पुंज है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद. नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में. केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल. नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226. उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक. नेक्स्ट, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से. नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में. नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? उच्चतम न्यायालय. नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में. नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773. नेक्स्ट, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय में की गई थी? 7. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को. नेक्स्ट, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक. नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों और न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका. नेक्स्ट, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में. किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 143. भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिका कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी का. भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र. नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसी है? एकीकृत. नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को. नेक्स्ट, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेते हैं? उच्चतम न्यायालय से. नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 143. नेक्स्ट, किस न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को. नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधि
सॉरी क्षेत्र अधिकार है प्रारंभिक। नेक्स्ट, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, निषेधाज्ञा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमादेश किसे जारी किया जाता है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट, किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 134A से मिलकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत रचना की घोषणा किस मामले में की थी, केशव नंदन भारती के मामले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जूरिस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब द जूरिस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड PDF आर ऑल्सो अवेलेबल इन टेलीग्राम ग्रुप। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टू गेट द जॉब नोटिफिकेशन गो टू द वेबसाइट www.juristexam.com। थैंक यू।